तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल। एक टाइम पे इस बात की लड़ाई थी कि प्लेयर्स को टाइम ही नहीं मिल रहा है टूर्नामेंट के बीच, और अब देखो टाइम ही टाइम है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल ही टाइमिश नहीं है। अपन को मार्च खत्म होने से पहले 20K करने का है, तो दबाओ दबाओ सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। और हाँ, एक बात और, आजकल कम लोग लाइव आते हैं इसलिए कुछ अपडेट्स पुरानी लगे, तो मुझे एक्सपोज मत कर देना। सह लेंगे थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट है पहाड़ी की तरफ से। तो पहाड़ी ने बताया था कि उनकी टीम के साथ उल्टा हो रहा है। जब फॉर्म अच्छी होती है तो कोई बड़ा टूर्नामेंट आता ही नहीं है, और जब बड़ा टूर्नामेंट होता है तो फॉर्म अच्छी नहीं होती। हर मैच मैची क्यों कर देते हो ब्रो? मत पूछो, दिमाग खराब होता है, मत पूछो। कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छे जाते हैं टूर्नामेंट्स, लेकिन जब सवाल आता है अच्छी जगह पे खेलने का, तब थोड़ा सा हमारे प्लेयर्स तगमगा जाते हैं। जब फॉर्म चलती है तब नहीं आता कोई टूर्नामेंट अच्छा, लेकिन जब सबका दिमाग खराब हो रखा होता है तब टूर्नामेंट्स आते हैं, तब हमें भी दिमाग खराब करना पड़ता है। कोई नहीं, होता है यार, अप डाउन चलता रहता है गाइस, इसी का नाम तो जिंदगी है। अगली अपडेट है माफियाज की तरफ से। तो 2 घंटे 9 मिनट की लाइव स्ट्रीम देखने के बाद भी ये तो एक्चुअल नहीं पता चला कि बाला भाई मास्क क्यों पहन के बैठे हैं। बस एक बार बीच में बोला था कि टैटू बनवाया है, कोई सेंस है इस बात? लेकिन जो पता चला है वो ये है कि फौजी भाई का ये सरप्राइज आने वाला है। दोस्त फौजी भाई कहाँ है? फौजी भाई बीमार हो रखे हैं। दोस्त कुछ सरप्राइज आने वाला है, फौजी भाई एक नया वीडियो आने वाला है, व्लॉग आने वाला है, बस इतनी हिंट दे सकता हूँ। को पैसा बर्बाद। अब बढ़ते अगले सेक्शन पे, जिसका नाम है गैस द वॉइस। कल की आवाज थी वाइपर की, आवाज की आवाज गैस करो। बारिश है, बारिश आती है, बुलाती है, यूं गिराती है, के सहूं मैं बाहों में बस तेरी, जब बारिश बरसती है पागल जैसे थिरती है, तुम जैसी हो बस वैसी ही रहो। और हाँ, भेज दो भाई और लोगों के गाने भी, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब मुझ पे TM, OG, TSG और HH के फैन होने का एलिगेशन लगाया जाएगा। सहलेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट अपडेट है गोल्डी भाई की तरफ से। तो उन्होंने बताया ई स्पोर्ट्स से पैसा कमाने का तरीका। हमारे टॉपिक आपको शायद पता होगा कि आज का टॉपिक जो हमारा है, जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले, फास्टेस्ट वे टू मेक मनी इन ई स्पोर्ट्स। देयर इज नो फास्टेस्ट वे टू मेक मनी एनीवेयर, बट यस, देयर इज ऑलवेज शुड बी अ करेक्ट वे टू मेक मनी। व्हाट आई से इज कंटेंट क्रिएटर इज द की सिंस डे वन। ई स्पोर्ट्स से पैसा बनाना अगले 5 साल तक इंडिया में इट्स इम्पॉसिबल। तो कंटेंट क्रिएशन इज द की वेयर एनी वन एंड एनी वन कैन मेक मनी। अब हम बढ़ते अगले सेक्शन पे, जिसका नाम है नॉलेज चेक। कल कोई आंसर आया नहीं, चलो आज बताओ त्रिपुरा से ई स्पोर्ट्स प्लेयर के नाम। नेक्स्ट अपडेट है किलर के बारे में। तो किलर ने गेम तो डिलीट कर ही दिया था, और अब किलर वृंदावन घूमता पाया गया है और परिक्रमा भी कर ली है, शायद अब तो गेम आ ही जाएगा। अगली अपडेट है मॉन्की की तरफ से। तो उन्होंने कैरियर रिलेटेड गाइडेंस दी है और बताया है कि अगर तुमने बिना पढ़े इतने पैसे कमा लिए जितने लोग पढ़ के भी नहीं कमा पाए, तो लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। और हाँ, फेयर मींस से कमाने की बात हो रही है, कभी तुम गुंडागर्दी शुरू कर दो या फिर बैटिंग साइट्स प्रमोट करने लगो। जिस जिसके पेपर है उनको मैं एक चीज बताता हूँ, देने से पहले कुछ नहीं सोचो और पेपर देने के बाद कुछ मत सोचो। जो तुमको सोचना है, जो तुमको करना है, वो पेपर के टाइम में करो। अपना दिमाग का 100% तुम पेपर के टाइम में डालो। पहले इसमें सोचो कैसा पेपर आएगा, क्यों आएगा, कैसे करेंगे, और बाद में ये मत सोचो कि कैसा पेपर गया, क्यों गया, थक दिया, क्या अच्छा किया। बस पेपर के टाइम में सोचो, लिखो जो तुमने पूरे साल थोड़ा बहुत पढ़ा है, या नहीं पढ़ा होगा तब भी लिखो, पास हो जाओगे ये मेरी गारंटी है। पढ़ लिखो, पेपर देके आओगे तो कोई टीचर तुमको पास नहीं कर सकता है। ये नहीं बोलूंगा सिंगल सीट ऑफ पेपर कैंडिडेट
फ्यूचर परसेंटेज मैटर करते हैं, ऐसा नहीं नहीं करते हैं, लेकिन वो तब तक मैटर करते हैं एक टाइम से जब तक तुम पढ़ रहे हो। जैसे तुम जॉब पे लग गए फिर वो परसेंटेज मैटर नहीं करते। क्या तुम भी कुछ बिजनेस कर रहे हो तो तुम ये नहीं सोचोगे कि तुमने ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज लिए थे। अगर कम आए और तुम कुछ कर नहीं पाए तो लोग तुमको ताना मारेंगे, और अगर कम आए और तुम इतने पैसे कमा रहे हो कि पढ़ पढ़ के लोग उतने नहीं कमा पाए तो लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। तो तुम मिसाल बनो लड़को, क्या बात है, सही बात है। जो भी कर रहे हो दिल से करो, बाकी कुछ मत सोचो रिजल्ट का। पढ़ाई करना दिल से करो, कुछ और काम पसंद है वो दिल से करो, लेकिन करो। अब भरत अगले सेक्शन पे जिसका नाम है टॉप प्ले ऑफ द डे। आज का पहला टॉप प्ले मैक का, जिन्होंने टीएम को 1-3 किया है। दे दिया भाई, क्या सीन, बजा इनको भाई। वो बजा रहे हैं आपको, बजा रहे हैं जल्दी। कवर तो ना यार, क्या कर रहे हो माफिया भाई। किधर है वुडन सुडन सामने पर, पेड़ पे भी आ रखा है। इधर किधर पेड़ पे भी है, एक ही पेड़ है भाई यार, पेड़ में आ गया। छोड़ो मैं ऊपर। अबे रनिंग कर दिया भाई ने, बचोगे? अरे यार 180 उसको चीनी से दे दिया आपको। वाली कंपोनेंट देखो, मैं वाला भाई को सेव करके आता हूं। दो दो वाली इसको दो, जॉर्ड इसको दो, जॉर्ड मैं नीचे जाके बॉल तोड़ता हूं। वाली कंपोनेंट दे दिया बाला भाई, बचाओ अंट भाई, बचाओ जल्दी। नहीं बच्चे यार, इसका पहला तो लगा लो यार। पहला किसी पे नहीं है, क्या कर रहे हो? ये रोहित है ना, सबसे पहला किल लगा रखी भाई। अगला टॉप प्ले वॉर का, जिन्होंने टीम हिंद को 1-4 कर दिया है। पीछे हट रही है हमारे 3x, तीन प्लेयर्स को टेक डाउन किया गया है। मैक 10 होगा वार 300 के पास, और यहां पर एक धब्बा मिलेगा केडी को, और नॉक भी करेंगे केडी को। पीछे से साहिल आएंगे, मैक 10 लेकर क्या, ओ ओ भाई भाई वार 3000 क्या खेल गए, दो दो प्लेयर को यहां पर एक गजब का हेडशॉट कनेक्ट करेंगे, और एक और नॉक, क्या यहां से बच के निकल पाएंगे वार 3000। और हील दे दिया अंश को बचा लिया। क्या हमें क्लच यहां पर देखने को मिलेगा, क्या 1v4 क्लच कर पाएंगे? राइट से बंदा आ चुका है, लुइस का हेडशॉट कनेक्ट हो सकता है, और लुइस यहां पर दो तीन शॉट कनेक्ट करेंगे, तो एक थोड़ा सा कवर तो है। एक ऐसे कोशिश कर रहे वार 3000, लेफ्ट में ब्लैकी, राइट में लुइस, देखते हैं ब्लैकी थोड़ा सा पिक देते हुए अंदर जाते हुए वार 3000, और एक और बंदे को हील करेंगे, एक और प्लेयर को नॉक करेंगे भाई। 1v4, क्या एक क्लच, क्लच दो ही एचपी के बचे है ब्लैकी। 1v1 वार 3000, और ब्लैकी पीछे से उतरेंगे, और नहीं, ब्लैकी अभी तक बचे हुए हैं। MP5 लेकर ब्लैकी, मैक 10 और अंश उतर चुके हैं। अंश के एचपी भी बहुत कम है, ब्लैकी के साइड से एक ग्रेनेड आएगा और नॉक करेंगे अंश को। क्या पुश हमें देखने को मिलेगा, और एक ग्रेनेड जाता हुआ और वार 3000 का यह ग्रेनेड, और एक क्लच जब देखने को मिलेगा 1v4 क्लच। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। चलो हम मिलेंगे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।